नाज़रीन प्रोग्राम आख़िर छाक में मेज़बान अली रज़ा मंगी तुम हाज़िर आया। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, मुल्क में मुआशी बुहरान, मुल्क में समाजी बुहरान, उन वरी हाँ जन तो लगे तो मुल्क में एक नव बुहरान कर खड़ी रो है जिनो नालो है आइनी बुहरान। जैसे आइनी बुहरान भी पैदा थी वे तो उन सूरत हाल कड़े तरफ वी मुल्की मसलन जो हल छो न तो कढ़ो वे मुल्की मसला जिनसे वा वन पाया उ घटा को घटा न पन अस गुजरात ढी की गाल भी कहीं जहाँ नव रुकनी बेंच हुई वह टुटी वही उन पंज रुकनी बेंच अज बुधनी कई वो जो अज बुधा वो तो अजो के ढी में ही मामलो जो है वो एक पास करो है। अदालत सगोरी सियासी पार्टियों के मुशावरत जो हुक्म दई छो है त सियासी पार्टियों पा में मुशावरत कन जैसे त फारूक एच नायक बुधा है त इलेक्शन की तारीख सियासी पार्टियों के न डणी है। मुस्लिम लीग नून वक्त वरतो है त वक्त दिनों वे इमरान खान साहब के हवाले से भी गाल हलन थी तो उनके अदालती निज़ाम में किथे न किथे या घणे भांगे का रियायत मिली रही है। सारी सूरत हाल से गाल बोल कंदासीं सीनियर तज़े निगार कानूनी माहिर आइनी माहिर शुहाब वस्तो साहब अस शुआब साहब प्रोग्राम में भलीकार चवा तो वही मेहरबानी। शुआब साहब गुजरल ढी तिठो त चैन जज साहिबान पान के बेंच का धार कर छो अदालत सगोरी अस इन मामले के एक पास कंदी अज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जी सियासी पार्टियों उनके मुशावरत जी जो हुक्म दिनों है तो पा में मुशावरत कन खास तौर से पंजाब केपी में चूंडन के हवाले से मामलो जो है पान मुरादो नोटिस है उनके हवाले से पा गाल क्यों पाया। शुआब साहब मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम एक वे अरसे हलन अचे पो जे कर मुआशी सूरत हाल जे कर समाजी तरक्की सब मामला जन तो उ पेंडिंग में आन या उ फ्रीज थी वन किए तसो मुल्क में को नव बुहरान अड़ो तासुर पैदा किया वे तो तीन तसो तो मुल्क में अदालती निज़ाम जो को बुहरान पैदा थी या अदालत जो अजकल अदालत से आंगुर खजी रही उन जहाँ कारण किए तसो सूरत हाल के रोशनी किथे न किथे नजर इंदी तो मैं सजे मामले के जिते पिक्चर पेश कई बिल्कुल दुरुस्त है पर बे तरफ वरी जी सुी गाल थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डेवलपमेंट्स थे हौसला अफजा सुठा सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहों दफो उ सवाल जो अस उथारींदा तो सूह मोटो कें थो घुर्जे सूह मोटो कड़े मामले में थो घुर्जे बया जो आइनी कानूनी मामला हुआ जिनमें खास तौर से बेंच कें ठे बेंच में कड़ा सवाल कें मुरतब थन सूह मोटो ठे तो नो ठे हाई कोर्ट अगमें ही कें मामले पे कार्रवाई शुरू कई है तो सुप्रीम कोर्ट के खण घुर्जे न खण घुर्जे ये ढा इम्पॉर्टेंट आइनी मामला हैं जिनते अस मुख्तलिफ वक्तन से काफ़ी एतराज कंदा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट एक आइनी कोर्ट है तो सागे तरीके से हाई कोर्ट भी एक आइनी कोर्ट आनो भी दायरो आनी भी तकदस आने सुप्रीम कोर्ट के यो न करण घुर्जे तो जैं भी जैसे हाई कोर्ट में मैटर थे है तो वो फौरन पा वट वो मैटर खड़ी सूह मोट में उनके हलान शुरू करें तो मुतनाजा किस्म जो जजमेंट्स थे उनके कर समझा तो पहों दफो तुम ठो तो जो ये बेंच टुटी आ बेंच के टोड़ में जो एतराज आया पॉलिटिशियंस तो काफ़ी अर्से का चवंदा रहा पर पहों दफो हाँ इनते तुम ऐसो तो खुद जज जो न हलो मामलो सभी पाँ इख्तलाफी नोट लिखा तमाम वही डेवलपमेंट आ समझा तो असि तारीख तब्दील कर सके चीफ जस्टिस साहब के पाँगी मर्जी की बेंच नी मिले नो ठा सके सवाल भी जैसे जिन पर फैसलो करो वो गजी मुतफिका तौर से थन था सूह मोटो से भी को तरीकाकार ठे तो घा फायदा थन्दा सुप्रीम कोर्ट की समझो तो एक जेका इन वक्त ताईं हालत हुई जेके उनते असांजा इख़्तिलाफ़ ऐं जेके असांजा एतराज़ हुआ उहे घणी हद ताईं
खत्म थी सकन था जो यो सिलसिलो हलंदो रहो। सो बाकी रहो सवाल इलेक्शन दी डेट जेका है तो ऐसो हाँ सुप्रीम कोर्ट जो यो फैसलो किया तो भाई पॉलिटिशियंस पा डिसाइड कन यो भी इन गाल जी उन जो पेरों मां जो नुक्तो खयम उनो उनकी अकास है जजन चो तो भाई असो तो कम ही ना है जो इदारा मौजूद हैं गवर्नर के करण घुर्ज या इलेक्शन कमीशन के करण घुर्ज वो इदारा पाँ कम कन जैसे वो इदारा आइन की खिलाफ वर्जी कन था तो असा के बिल्कुल हक है अचान असा वो। सो हाँ मुसीबत यह थी जो सुप्रीम कोर्ट की चवे तो भाई इलेक्शन तुम नवे ढी में करायो वो पीडीएम के मंजूर न होंगी शायद इलेक्शन कमीशन के भी मंजूर न होकर इलेक्शन कमीशन की चे तो पे सेंसस कराणो आ अस पैसा को अस सिक्योरिटी को सुप्रीम कोर्ट पान के एक अड़ी पोजिशन में नी वह चाहे जैसा वो चैनी तरफन का वरी तनकीद जो शिकार थे रस्तो कढ़ने की कोशिश कई आ पर समझा तो पॉलिटिशियंस कदें भी इनते मुतफिक न थींदा छो तो पीडीएम बिल्कुल कें मूड में कोने ऑगस्ट का पहले हुकूमत छड़न में सही बिल्कुल सही। अच्छा शवाब साहब असा वट जी जी शवाब साहब असा वट माजी में भी हाने भी डिठो वे है तो का मुल्क जे भले जे लाए आईन की पासदारी की कानून की बालादस्ती की कानून की हुक्मरानी की गाल तो सभी पार्टियों कन्दन पर अमली तौर से जैसे उन्होंने वट अख्तियार हों तो वायोलेशन भी उ पा ही कन्दन तो हाँ जो जमहूरी सिस्टम है वो जेस तीन नो हली सके मुकम्मल तौर से तेसी तई जहाँ सियासी डेवलपमेंट है या जो मुल आइन है उनते मुकम्मल तौर से जो उनकी पासदारी है उन अमली तौर से जैसे सब संजीदा नान तो वह शे जन तो मुमकिन नजर नी अचे समूरन मसलन जो जो हल है तो वो तो पार्लियामेंट में ही है सियासी जो प्रोसेस है उन में ही है पर अस बदकिस्मती से ये थी नो सके पे उन कड़ा कारण आज मसलो यो असाजे मुल्क में सिर्फ सियासी पार्टियों नान जे इन आइनी मसलन से को उन्होंने को असाखे हतमी तौर से को कमिटमेंट नो नजर अचे आइन की पिनाराफी कर तैयार था थी वन वो मसलो जो है वो है इस्टैब्लिशमेंट जो इस्टैब्लिशमेंट जे भी एजेंडाज हैं उ गैर जमूरी गैर आइनी हूँ तक खबर आ तो हाँ जेस तीन इस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट नी करे पोलिटिकल कें पार्टी के उन पार्टी के लिए हुकूमत करण भी दुखी थी वे इलेक्शन खटन भी दुख्य थी वे तो हाँ जो बुनियादी सवाल है वो यो है तो इस्टैब्लिशमेंट के कड़े तरीके से आइन के दायरे तीन महदूद कजे वो तदें मुमकिन आ जैसे पॉलिटिशियंस में एतरी मेचोरिटी अचे वो सब गदी इन एकड़े नुक्ते से मुतफिक थन तो कुछ भी थी पे असाके फौज के सियासत में कें भी तरीके से इजावत ना दियणी अस आइन ए कानून के दायरे में रही सियासत कदे मुख्य नो लगे तो घट में घट इन मौजूदा लीडरशिप में के अड़े किस्म की का बुर्दबारी है न वरी मुख्य इमरान खान की जो सियासत है उनमें का उम्मीद है तो को हो ब्रॉडर कंसेंसस पैदा करने लाए थोड़ा पोई ते हटन हो उन्हें करे सियासतदान असाजा जे उ सच्ची गाल है तो मुफाद परस्ती जो शिकार हमेशा रहा है हाने भी देख हाने भी ताके नजर तो अचे। सो बे तरफ यो आ आम मानू की का पार्टी कोने गरीब मानू की का पार्टी कोने मेहनत कश की का नुमाइंदा पार्टी कोने तो करे उन्हें जो आवाज तो अस ती पुजे ही को मथा वरी इन्होंने मुख्तलिफ किस्म जहा सख्त कानून टेररिज्म के खत्म करने के नाले में ठाया वो जो गरीब मानू निकरन था आइनी हकन के तहफुज ला भी तो उनके क्रश तो कर वे पुलिस उनके जो नी कर दे कुछ भी सही। तो तुम दसो तो ट्रेड यूनियन खत्म थी व्यू अस स्टूडेंट पॉलिटिक्स खत्म थी वही असा वट हारी तंजीमू खत्म थी व्यू तो हाँ यो उमरा जो
तबको है जो सियासत तो करे जो करप्शन था कन जो उनमें मुल्क के आइन से जो वो जो यानी एक रांद लगी पई आने को रोकने वो कोने जो भी पार्टी जका भी पार्टी गवर्नमेंट में अचे थी वह एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से थी अचे तेरे उनके खिलाफ का अकाउंटेबिलिटी को थे तो तमाम दुख्यो पेचीदा किस्म जो असो माहौल सियासी निज़ाम बणजी वो जेस ताईं इहो बुनियाद जेको आहे एस्टेब्लिशमेंट जी जेका डायरेक्ट जेका मुदाखलत आहे उहा ख़तमु न थींदी ऐं तव्हां ॾिसो त जजनि ते बि इल्ज़ाम त इहो ई थो लॻे न त एस्टेब्लिशमेंट जे दबाव में तव्हां फ़ैसिला कयो सही बिल्कुलु सही था चओ सो सियासतदाननि ते बि इहो ई दबाव इहो ई इल्ज़ाम थो लॻे त हे जेको आहे सो एस्टेब्लिशमेंट जे कुल्हे ते चढ़ी था हुकूमत कनि बिल्कुलु सो हाणे बुनियादी ॻाल्हि आहे सॼी इहा जिन मुल्कनि में सिर्फ़ु सियासी निज़ाम जा मसला हूंदा आहिनि उहे आहिस्ता 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 उहो निज़ाम ठीकु थींदा आहिनि पर जिन मुल्कनि में ताक़तवर जेके रियासती इदारा क़ाबिज़ हूंदा आहिनि ऐं माण्हुनि में ख़ौफ़ ऐं हिकिड़ो जबर जी हिकिड़ी हिकिड़ो माहौल बरकरार रखी जेको आहे सो मुल्क हलाईंदा आहिनि बिल्कुल सही था चओ वरी महिरबानी शुआब साहब तव्हां पंहिंजो टाइम ॾिनो नाज़रीन प्रोग्राम जारी आहे वठूं था ब्रेक